केस्टन का परिवार पैरेलल यूनिवर्स में। ये ले खा अब तू पेटी। केस्टन, रोटी खाने आ जा। क्या बाण में जाए? अबे कैंपर के बच्चे सुधर जा, गेम बैन है फिर भी कैंपिंग मार के बैठा है। ये ले तू भी पेटी खा। केस्टन, अरे क्या यार मम्मी, दो मिनट रुक जाओ, गेम प्ले बना रहा हूँ ना। मतलब तू नहीं आएगा? नहीं। जब देखो पेटी 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 सबकी पेटियां बनाता रहता है, ये ले अब तू पेटी का। ओए मम्मी नहीं। मम्मी एक तू ही तो है जो इस केस्टन की पेटी बना सकती है, वरना और किसी में कहा तुम। अबे पेटी के बच्चे बेलन ला, जब देखो पेटी 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 पापा के लिए रोटी बनानी है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का सीन कुछ इस तरीके का होता है कि उतरते हैं अपार्टमेंट्स में और मेरे हाथ में गन के नाम पे लग जाती है UMP 45 और एक थॉमसन, और यहाँ पर एक टीम उतरी होती है। तो उसके बाद भाई एक बॉट दिखता है पहले, तो बॉट की जैसी पेटी बनाता हूँ तो भाई उसमें से एक टीम का बंदा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर के भाई मेरी पेटी बनाने के लिए आ रहा होता है। तो देखना आगे क्या होता है। तो स्क्रीन टेढ़ी हो जाती है, तो स्क्रीन को सीधी करते हैं और जल्दी से इस बंदे की पेटी बनाते हैं। लेकिन इसके बंदे इसको कवर फायर देते हैं, तो बाकी के बंदे आते हैं इसके, तो चौड़ में सीधा शॉटगन लेके घुसा, तो ये चौड़ में आया और चौड़ में गया। तो इसके बाद इसके बाकी के दो बंदे होते हैं, वो भी रश करके आ जाते हैं भाई मेरे पास। तो नीचे की तरफ फुटस्टेप आ रहे होते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर देखो क्या खेला खेलते हैं इनके साथ। थोड़ा सा फ्री फायर मैंने दिया, थोड़ा सा फ्री फायर उन्होंने, फिर ये ऊपर आते हैं, ऊपर भी फ्री फायर देते देते आते हैं। तो एक गया, दूसरे की बारी। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी स्क्वाड वाइप हो गई, और इनकी स्क्वाड का नाम ना बड़ा गजब का था। एक का नाम था एजेंट ए, एक का नाम था एजेंट बी, एक का नाम था एजेंट डी। अब मुझे लगा भैया जो अगला बचा होगा उसका नाम एजेंट सी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसका नाम था एजेंट एस। अब मुझे ये नहीं पता यार उसने एस क्यों रखा, पूरी ABCD बना लेते ना अगर ऐसा था तो। खैर हमें क्या। तो यहाँ पर फिर उसके बाद इनकी स्क्वाड वाइप करने के बाद यहाँ पर एक दो बॉट मिलता है, उनकी पेटी बनाते हैं। और मैं छत पर घूम ही रहा होता तो एक कैंपर मेरे को दिखता है, पता नहीं क्या ही कर रहा होता है। अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा जहाँ पर मैंने स्कोप खोला तो वो बंदा ठीक वहीं पर था। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो भाई अंदर घुसते हैं, तो देखना आगे क्या होता है। Let's go. पकड़ा गया। तो खैर यहाँ पर मैं इसकी पेटी नहीं बनाता, मैं सोचता हूँ कि चलो यार इससे थोड़ी सी बात निकलवाई जाए, लेकिन भाई ये कुछ बोलने को तैयार नहीं था। खैर यहाँ पर इसकी पेटी बन गई, तो मैंने बग्गी लिया और भाई यहाँ से निकल गया। और जब मैं आगे की तरफ पुल के पास से गुजर रहा था ना, तो वहाँ पर भाई अलग अलग जगहों पर बंदे छुपे पड़े थे जो कि फायरिंग दे रहे थे। तो मुझको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही था, तो यहाँ पर एक ये जो घर है ना इसमें एक बंदा छुपा बैठा था, तो सोचा यहीं से आरंभ करते हैं, तो देखो क्या होता है। अब ये जो बॉट फायरिंग आ रही है पता नहीं असली है कि नकली है। खैर यहाँ पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर कमरे के अंदर जाता हूँ और मेरे को गन रीलोडिंग की साउंड आती है, और उसके बाद यहाँ पर मैं नेड करता हूँ और आगे देखो क्या होता है। तो साउंड से तो लग रहा था कि बंदा दरवाजे के पास होगा, तो मैंने अपना पूरा IQ लगाया और फेंक दिया नेड, लेकिन यहाँ पर कद्दू बैगन कुछ नहीं हुआ, तो मैं सीधा ऊपर जाता हूँ। Awesome. तो भैया नेड काम नहीं आया तो क्या हो गया, हम तो काम आएंगे ना, हमारी बंदूक तो काम आएगी। खैर यहाँ पर इसकी पेटी बनाते हैं और इसके बाद इसके शायद बाकी के दो जो बंदे होंगे या मुझे नहीं पता कितने बंदे, वो गाड़ी लेके इधर आ जाते हैं। और फिर देखो मैं यहाँ पर एक और नेड करता हूँ और फिर देखो, तो उम्मीद है गाड़ी की आवाज़ आ गई होगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं नेड करता हूँ और इनमें से एक बंदा भाई धोखेबाज निकलेगा, देखना कैसे। तो ये बंदा भाई मेरे नेड के चपेट में आ जाता है और ये नॉकआउट हो जाता है, लेकिन इसका दूसरा बंदा भैया इसको रिवाइव देने बिल्कुल भी नहीं आता। और यहाँ पर भाई मैं आ जाता हूँ, इससे पता नहीं है कौन सा लाइन है यहाँ पर, और फिर यहाँ से मैं इंतज़ार करता हूँ इसका बंदा आएगा रिवाइव देने, पर बंदा भैया रिवाइव देने बिल्कुल नहीं आता। और इतने में भाई आगे भी फाइट चल रही होती है, तो एक बंदा मेरे को दिखता है,
तो कुछ चटके तो भरे, लेकिन भैया पता नहीं नेट चल नहीं रहा था कि क्या दिक्कत थी, बंदा नॉकआउट होके नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और उसके बाद भैया इस बंदे की पेटी लूटता हूँ जिसको मैंने नेट से उड़ाया था। और इसके बाद यहाँ पर मैं वापस स्क्वाड हाउस की छत पर जाता हूँ और वह भगोड़ा बंदा मेरे को दिखता है जो कि इसको रिवाइव नहीं दिया था। तो देखो फिर क्या होता है। तो यही है वो भगोड़ा, और उसके बाद यहाँ पर मैं नेड करने की सोचता हूँ कि इसको नेड से उड़ाएंगे। तो आगे देखो फिर क्या होता है। इतने में पानी में कोई दिखता है। तो यहाँ पर ये जो भगोड़ा बंदा होता है ये मेरी किल चुराने की फुल कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको किल चुराने नहीं देता। और यहाँ पर एयर ड्रॉप पड़ा होता है तो मैं सोचता हूँ चलो इसको लूट लिया जाए। और यहाँ पर मेरे को AMR और ग्रोसा मिल जाती है। तो फिर भैया मैं कैसे नहीं रुकता, मैं सीधा रश करके चले जाता हूँ इस भगोड़े के पास। हाँ तो चुन्नू मुन्नू सा रश था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो यहाँ पर इसकी पेटी बना देते हैं। और आगे की तरफ एक Kar-98 वाला बंदा होता जो कि बड़ी देर से दिमाग खा रहा था। तो इस तरीके से AMR की चटनी का स्वाद इसको चखा देते हैं। लेकिन दिक्कत वाली ये बात होती है कि उस पत्थर के पीछे दो बंदे होते हैं और ये बंदा जिसको मैंने नॉकआउट किया ये फिर से रिवाइव हो जाता है और भाई 3 नंबर इसको नॉकआउट कर देता है। तो भैया इसकी किल मेरे खाते में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी हम इस किल को अपने खाते में गिनेंगे। और मैं बग्घी को लेकर के गाड़ी को लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ और आगे देखो क्या होता है। पत्थर के पीछे भी सांप बन के बैठा हुआ था, तो यहाँ पर जैसे तैसे करके नॉकआउट कर दिया और मैं पानी में कूद गया। और वो बंदा जिसने मुझे अभी फायरिंग दी वो जाके पुल के दूसरे किनारे में छुप जाता है। तो आगे देखो क्या होता है। तो खैर मैं इनको फिनिश नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता था इनका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये लोग जिंदा रहते तभी तो वो अपनी लोकेशन एक्सपोज करता, जो कि ऐसा ही हुआ, उसने अपनी लोकेशन एक्सपोज की। और इसके बाद यहाँ पर भाई मैंने उसको फिनिश किया और यहाँ पर हम गाड़ी में बैठ करके भाई अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ पर भाई मेरे को छत पे से एक बंदा दिखता है जो कि ड्रॉप लूट रहा होता है। और उसके बाद देखना भैया उसको गाड़ी में क्या ही हेडशॉट देंगे। अब मैं अपने स्कोप को राइट साइड की तरफ रखता हूँ क्योंकि भैया मुझे लगता है कि राइट साइड ही स्टेयरिंग व्हील होगा, क्योंकि भैया हम तो हैं भारतीय इंसान। लेकिन हमें जैसे ही पता लगता है कि भैया यह तो अंग्रेजी गाड़ी है तो हम जल्दी से उसके बाद लेफ्ट की तरफ करके हेडशॉट देते हैं। और यहाँ पर भैया इमोजी विमोजी क्या बोलते हैं डांस वांस करके चढ़ा रहे होते हैं कि इतने में एक और गाड़ी आ जाती है। तो मैं स्पाइडरमैन बन के यहाँ पर आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर भाई मैं बैठा रहता हूँ। तो इतने में भैया ये जो 3 नंबर है ना इसको पता नहीं क्या ही सोचती है, तो ये क्रॉस कर रहा होता है तो ये लोग इसको पकड़ लेते हैं। फिर देखो क्या होता है। तो बंदों ने इसको नॉकआउट कर दिया और मेरा पार्टनर जैसे तैसे करके भाई दीवार के पीछे हाइड करता है। लेकिन ये कतई प्रो किस्म के इंसान थे, इन्होंने आग की बोतल वहां पर फेंक दी लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके बच गया। और उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था कि बेटा तुम क्रॉस करो और उसके बाद देखना ग्रोसा का कमाल। तो यहाँ पर कमाल का स्प्रे देते हुए मैंने एक ही स्प्रे में दोनों की पेटी बना दी, यही बोलते हैं ना। हाँ तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया, लेकिन अफसोस यहाँ पर मैं थोड़ा सा देर हो जाता हूँ और उसकी पेटी बन जाती है 3 नंबर की। तो यहाँ पर मैंने वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा गाड़ी पकड़ा इनकी पेटी को लूटने के बाद। वैसे थोड़ा लालची भी हूँ तो उसके बाद मैं इस वाले घर पर आता हूँ क्योंकि यहाँ पर बंदे होते हैं। तो मेरे को देखते ही बंदा ऊपर की तरफ चढ़ जाता, तो यहाँ पर मैं अखरोट फेंकने का फैसला करता हूँ। गलत नेट फेंका तो ये बच गया और इतने में मैं फैसला करता हूँ एक और नेट करूँ कि ये बंदा नीचे की तरफ आ जाता है और रश भी कर देता है। तो इसको यहाँ पर जैसे नॉकआउट करता हूँ उसके बंदा यहाँ पर इसको कवर फायर देता है, लेकिन इसके बाद मैं इसको फिनिश नहीं करता हूँ ताकि इसका बंदा इधर आए, लेकिन इसका बंदा भाई आग की बोतल फेंक देता है। तो मैंने कहा इसको चारा बनाने के भाई कद्दू बैगन लेने, मैंने सीधा इसकी पेटी डाली। और इसके बाद भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बंदे ने बोला होगा उसको कि बेशक मेरी पेटी बन जाए लेकिन तू इसकी पेटी बना दियो ज़रूर। तो खैर इसके बाद इसका बंदा तो दीवार के पीछे हाइड कर रहा होता है, तो भाई मैं ही खुले से जाता हूँ और फिर देखो क्या होता है। थोड़ा डैमेज उसने मुझे दिया, मैंने उसे दिया, उसे लग रहा होता कि भाई मैं हाइड कर जाऊँगा, लेकिन भाई मैं हाइड करने वालों में से थोड़ी ना हूँ।
तभी भैया यहाँ पर मस्त खड़े होकर सुइया लगा रहा था, तो हमने कहा कि भैया हम तुम्हें ग्रोजा का सुइया लगाते हैं ना, तो हमने ऐसी सुइया लगाई कि उनकी यहाँ पर पेटी बन गई। और इसके बाद यहाँ पर हमने बग्गी को लिया और आखिरी वाले बंदे को ढूंढने के फिराक में निकल गए। लेकिन इस बंदे ने इतनी मेहनत करवाई ना ढूंढने में कि क्या ही बताऊँ। जोन के किनारे पता नहीं कब से सांप बन के खिसक रहा होगा धीरे धीरे, और बड़ी देर बाद दिखता मेरे को, देखो यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मुर्गा यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर हमारा हो जाता है बिनर बिनर मुर्गी डिनर। अब इस पूरी वीडियो में मैंने तुमसे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं कहा कि लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन को ऑल पे दबाओ और कमेंट करो। लेकिन भाई अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है ना, तो ये सब ऑटोमेटिक हो ही जाना चाहिए, इसमें भीख मांगने वाली क्या ही बात है। तो कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा सायोनारा बाय बाय।